लेखपाल के पति ने बिना किसी नोटिस व चेतावनी के जेसीबी चलवाई। मामला मिलक के गांव रहपुरा का है, जहां के रहने वाले राम बहादुर पुत्र मदनलाल व बेदपाल पुत्र विद्याराम व मेवाराम पुत्र डोरीलाल ने मीडिया को बताया कि वह वर्षों से जमीन पर काबिज हैं। नक्शे में यह जमीन, उन्होंने बताया कि लेखपाल बबीता के पति अभिषेक शर्मा ने बिना किसी चेतावनी व नोटिस के उनकी जमीन पर जेसीबी चलवा दी। विरोध करने पर जेल भेजने की धमकी दे रहे थे। पीड़ितों का कहना है, नक्शे यह जमीन रास्ते में दर्ज है, पर चुनावी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान से साठगांठ करके हमारी भूमि को खाली करा लिया गया है। उनका आरोप है कि पत्नी बबीता के लेखपाल होते हुए अभिषेक शर्मा खुद प्रशासनिक कार्यों को अंजाम देते हैं, जो कि आपत्तिजनक है। आपका? मेरा नाम वेदपाल साहब। जी जोर से बोलिए। वेदपाल? वेदपाल जी। कहाँ रहते हैं आप? रायपुरा का रहने वाला हूँ साहब। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है साहब, हमारी जगह थी लगभग 60-70 साल पहले से, हम उसको कब्जे में थी हमारे। आपके कब्जे में थी? जी। कितने साल हो गए? लगभग 60-70 साल लगभग हो गए। 60-70 साल हो गए जी। फिर क्या हुआ? फिर साहब देवपाल शिल्पी साहब आकर उन्होंने बीसीबी लाकर उस पर चला दिया। उसमें हमारे भोंगे लगे थे भूसा के, प्यार था, कंडे थे साहब, और उसमें लकड़ी बकड़ी थी साहब, हमारे अन्न और खाने वाले का जानवरों का साहब उसमें सामान था, सब साफ तालाब में उन्होंने कर दिया। अच्छा, जो भी जानवरों का सामान था? हाँ, भूसा वगैरह सब साफ, भूसा वगैरह था जानवरों का सामान उन्होंने साहब सारा लेखपाल साहब ने बीसीबी चलवा के और सोटी साहब ने सब तालाब में साफ लौटवा दिया। हमने उनसे नोटिस मांगा, उन्होंने सबक ना कर दिया, कोई नोटिस नहीं आया। अच्छा, मतलब कोई नोटिस आपको नहीं दिए गए? बिना नोटिस ने जीसीबी चलवा दी? वे साहब वे चलता साहब, उन्होंने मसला ही नहीं हमारा कुछ, उन्होंने बात मानने को तैयार ही नहीं किया। अच्छा, तो इस मामले में प्रधान का क्या कहना था? प्रधानी तो साहब चुप थे। अच्छा, चुप्पी साधे थे। तो आप चाचा क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? ये चाहते हैं साहब प्रशासन हमारी मदद करे, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम पर कहीं जगह भी नहीं है साहब, 2 इंच की जगह नहीं है। अच्छा, वही उतनी जगह है जिसमें अब जानवरों का अपने बच्चों का साहब उजाड़ कर लेते हैं, उसमें अलग अलग के सामान। चाचा क्या काम करते हो आप? साहब खेती करते हैं। खेती करते हैं आप? चाचा मैं ये चाहता हूँ साहब लेखपाल और शिल्पी के साथ साथ कानून कार्रवाई की जाए। अच्छा, सेक्रेटरी और लेखपाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो की जाए। क्या नाम है आपका? निवारा। कहाँ रहते हैं आप? रायपुरा। क्या हुआ आपके साथ? अरे साहब ये हुआ, हमारी जो जगह थी 60-70 साल पुरानी, हमारी लेखपाल और सिक्योरिटी जाके हमारी बगैर कैश में बगैर नोटिस दिए और हमारी जगह पर कब्जा करके जीसीबी चलवा दी सर। अच्छा, जीसीबी चलवा दी जी, जिसमें कि हमारे कम से कम 85,000 रुपये रखा दंगन का कबार भूसा कन्ना ईंधन सब वहाँ रखे थे। अच्छा, और ऐसी साहब रख सकते हैं। फिर आपने इन लोगों की शिकायत किसी आला अधिकारी से की है? हमने साहब एसडीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन की। अच्छा, फिर कोई कार्रवाई हुई? हमारे पास कोई नहीं गया सर। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप क्या प्रशासन से क्या चाहते हैं? साहब यही चाहते हैं कि हमारे साथ थोड़ी जगह है और साहब हमारे बच्चे हैं या काफ़ी, और हम इस काबिल नहीं है कि हम उसे बना सकें, और इसलिए हमारी मिलना चाहिए। तो जगह आपकी दादलाई है या ग्राम समाज की जगह है? साहब दादलाई है हमारी, कम से कम 70-80 साल पुरानी जगह है। अच्छा, कितनी जगह है आपकी लगभग? साहब ये तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी होगी लगभग। तो वहाँ मौके पर कौन कौन था जब जेसीबी चल रही थी? मौके पर लेखपाल थे और सिक्योरिटी थे। सिक्योरिटी ने कहा था कि हम कुछ नहीं मानते, तुम्हें जो नोटिस वगैरह थे हमें नोटिस कोई जरूरत नहीं है। क्या नाम है सेक्रेटरी का? सेक्रेटरी का साहब मैं नाम जानता हूँ। लेखपाल का क्या नाम है? लेखपाल भी कौन अभिषेक है? अभिषेक नाम है साहब, जो अपनी बबीता जो उसकी घरवाली है उसके साथ काम करता है। अभिषेक नाम है उसका जी। नाम भैया आपका? राम बहादुर सिंह। कहाँ रहते हैं आप? रायपुरा।
जी, क्या समस्या है आपकी? सर मेरी समस्या ये है कि मेरी कुछ जमीन है, जगह मेरे घर के ठीक सामने सर, सन 65 के करीब। अच्छा। उस पर दादा परदादा हम लोगों का कब्जा है सर उस पर। जी। अब वो सेक्रेटरी ने उस पर कुछ दिन पहले आके लेखपाल साहब बोले कि इस पर हम कमरा बनाएंगे। तो उन्होंने सर कमरा के लिए ना तो कोई नापूत की जी, ना ही हमें कोई सरकारी नोटिस दिया और ना ही सर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दी। और उन्होंने मतलब कल आगे जेसीबी लाए। कौन लाया था जेसीबी? साहब थे, ग्राम प्रधान थे। अच्छा। फिर जी तो उन्होंने हमारे वहाँ पे जानवरों का चारा, जैसे कि भूसा हो गया, प्यार है और लकड़ी कंडे गांव में जो होते हैं सर, वो सारा कुछ हमारा रखा हुआ था उसमें। जी। तो वो सारा कुछ हमारा मतलब हमें उठाने तक का मौका नहीं दिया सर उन्होंने। अच्छा। वो सीधे लाए और उन्होंने सीधे मतलब सारा कुछ तालाब में धकेला दिया। और हम लोगों ने बोला कि सर हमें कुछ तो देते, नोटिस वगैरह देते, तो लेखपाल हड़का रहा है, हमें परिवार वालों को हड़का रहा है। हमारी चाची का भी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो रखा है सर, दीवार गिर गई थी उनके ऊपर। जी जी जी। वो भी वहाँ खड़ी थी, वो जेसीबी के आगे आगे खड़ी हो गई, तो उन्होंने वो भाग के हमने उठाई है, वरना जेसीबी उन पर चढ़ा दे रहा था लेखपाल और सेक्रेटरी दोनों। क्या नाम है लेखपाल का? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा जी। सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी का सर नाम पता नहीं है मुझे। और इसमें सर मतलब वो किसी की बात सुनने को राजी नहीं थे सर, हमें कोई मौका ही नहीं दिया उन लोगों ने किसी प्रकार का। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते? प्रशासन से सर मेरी यही मांग है, इन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो और हमारे साथ न्याय होना चाहिए सर। हमारे पास इतनी भी जगह नहीं है कि सर, परिवार हमारा बड़ा है, पिताजी तीन भाई हैं, तो तीनों सर साझे थे अब तक और अभी भी साझे ही हैं सब कुछ हमारा, और खेती अलग है। और सर हम जब अपने परिवार के चचा ताऊ सब अब जब अलग अलग होंगे सर, तो हमारा यहाँ गुजारा भी नहीं होगा, हमारी वही जगह है जिसमें हम गुजारा कर सकें। तो जगह आपकी दादलाई है या फिर कोई ग्राम समाज की जगह है? ग्राम समाज की सर जगह नहीं है उसमें, दादलाई है वो हमारी। अब इस चीज़ का सर हमें कभी इतने ग्राम प्रधान हो गए, कभी इस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा, तो हमको सर इतनी भी जानकारी नहीं है कि ये ग्राम समाज है। हम तो ये समझ रहे हैं सर हमारा सन 70-65-70 से काबिज है हम इस पर, तो ये जगह हमारी है। आज से पहले हमारे मतलब कभी कुछ हमारे साथ ऐसी घटना घटित नहीं हुई। तो आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? जी सर, उचित से उचित हमारे संग मतलब हमें न्याय मिलना चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नोटिस तो देते सर ये हमें कोई ना कोई, इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया और ये किसी की बात सुनने को राजी नहीं है और गाली गलौज पत्थर उतारू थे ये लोग। अच्छा जी। तो आपने इस घटना की शिकायत किसी आला अधिकारी से की? जी, अब से कुछ समय पहले सर, लगभग 2 हफ्ते पहले हमने SDM साहब को लिखित में वो दी थी सर एप्लीकेशन। कोई कार्रवाई? वहाँ से कोई कार्रवाई हमें नहीं मिली सर। तो आज आप आए हैं तो आप किससे किसके खिलाफ़ वो एप्लीकेशन देंगे? सर हम तो इन्हीं लोगों के खिलाफ देंगे जिन लोगों ने हमारा नुकसान किया, हमारा 60-70 हज़ार का सर नुकसान कर दिया इन लोगों ने। भूसा लकड़ी कंडा, हमारे जानवर भूखे मर रहे हैं सर, प्यार प्यार भी सब उसमें तालाब में डाल दिया, भूसा भी सब तालाब में डाल दिया सर। आपने लेखपाल की और जो सेक्रेटरी की जो शिकायत की है जी, किस अधिकारी से शिकायत की है आज? ये हम साहब DM साहब के लिए और मुरादाबाद कमिश्नर साहब के लिए व्हाट्सएप के द्वारा शिकायत कर दी है सर हमने।